आप सब लोग? मैं सोचती हूँ आप सब लोग घर पर ठीक हो। ठीक है तो बच्चों, वेलकम बैक टू हिंदी क्लास। हिंदी सब्जेक्ट में प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा था? प्रीवियस क्लास में हमने हिंदी बारह कड़ी कैसे लिखते हैं उसको सीखा था। ठीक है तो चलिए फिर सीख कर हिंदी की का की बारह कड़ी को हमने सीखा था, लेकिन आज हम सीखेंगे ख। का के बाद दूसरा व्यंजन अक्षर है ख। आज हम सीख रहे हैं बारह कड़ी। Okay।
चलिए फिर हो गया, फिर च के बारे में दोबारा फिर सीखेंगे। च च च ची ची चू 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 चे चाय चो चाउ चम चहा। तो ये है हमारी च की 12 पीढ़ी। तो मैंने च अक्षर पर सारी स्वरों की मात्रा लगाई है तो 12 पीढ़ी बनी है। तो इसको हम कैसे करेंगे, च च ची ची चू 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 चे चाय चो च चा चाह। ठीक है, ये मैंने क्या किया है, अक्षर च पे स्वरों की मात्राओं को लगाया है। ये सारी मात्राएं है ना, आ की मात्रा, ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, ऊ की मात्रा, बड़ी ऊ की मात्रा, ऊ की मात्रा, ए की मात्रा, आई की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा, अंग की मात्रा और आह की मात्रा। ठीक है, तो आपको समझ आ रहा है बच्चों, ये क्या हम सीख रहे हैं, 12 खड़ी। कन्नड़ा में भी 12 खड़ी होती है, उसी तरीके से हिंदी में भी 12 खड़ी होती है। ठीक है, चलिए तो मैं आज आपको होमवर्क देती हूँ, होमवर्क यहाँ पे मेंशन करूंगी। नेक्स्ट टेबल होमवर्क, लर्न एंड राइट, 12 कड़ी, आप देख के लिख लेना। ठीक है, और थोड़ा टाइम है,
लिखूंगी बारह कड़ी। चार अक्षर अक्षरों की बारह कड़ी मैंने ली है ना, तो चार में से दो बारह कड़ी लिखूंगी। पहला है क, ठीक है, और दूसरी बार करी भी लिखूंगी बोर्ड पे क के बाद अक्षर ख, ख की बार करी भी मैं लिखूंगी। तो बच्चों आपको जिस लोगों को नहीं आता है लिखने के लिए, एक बार करी लिखने के बाद दूसरा अक्षर लिखते हैं ना, उस अक्षरों पर भी मात्राएं जो है सेम होती है। ठीक है, ख लिखा है, ख पे ए ही मात्रा लगाएंगे, फिर ये ख पे ए ही मात्रा रखी, ख पे बड़ी ए की मात्रा रखी, ख पे ए की मात्रा रखू, ख पे ए की मात्रा रखू, ख पे दो की मात्रा रखू, ख पे ए की मात्रा रखी, ख पे ओ की मात्रा रखू, गहा। ठीक है, तो बच्चों मैंने यहाँ पे लिख दिया है बारह कड़ी क से लेकर घा तक। तो आप सभी को इसको कैसे पढ़ते हुए आता है क्या? चलिए पढ़ के देखते हैं। का, का, की, की, कु, कु, क्रु, खे, खाई, खो, काव, का, कहा, गे, गाय, गो,
होमवर्क भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, लर्न एंड राइट बारह कड़ी क ख ग घ। ठीक है, इन चार बारह कड़ी को आप एक बार लिख के होमवर्क भेज दें। ठीक है बच्चों, थैंक यू।